नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। कंगना रनौत सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही नेपोटिज्म पर खुलकर बात कर रही हैं। वो लगातार करण जौहर समेत कई स्टार किड्स को लताड़ लगा चुकी हैं। वहीं अब ट्विटर पर कंगना रनौत के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। ट्विटर पर बॉयकॉट कंगना रनौत ट्रेंड कर रहा है। कंगना ट्रोलर्स को उन्हीं के अंदाज में जवाब देने के लिए मशहूर हैं और अब उन्होंने ट्रोलर्स को चूहा बताते हुए बिलों में वापस जाने की चेतावनी दी है। दरअसल कंगना ने एक मीम शेयर किया है जिस पर करण जौहर, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और वरुण धवन को वायरस बताया गया है और कंगना को सैनिटाइजर। इस मीम के साथ कंगना ने लिखा है, चूहो वापस बिल में चले जाओ वरना गब्बर आ जाएगा। फिल्मी स्टाइल में हूल देनी है तो ऐसे देते हैं। ट्रेंड से मुझे डर नहीं लगता, जाओ कुछ और ट्राई करो। इसके अलावा कंगना ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, वंडरफुल बॉयकॉट कंगना, ट्रेंड करना शानदार है। चूहे बिलों से बाहर आ रहे हैं, चलो थोड़ा हाथ पैर तो माफिया भी मारेगी। तो देखा आपने, कंगना ने करण, आलिया, रणबीर और वरुण पर निशाना साधा है। साथ ही कंगना ने अपने इन ट्वीट्स के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि इन लोगों ने ही ट्विटर पर बॉयकॉट कंगना ट्रेंड करवाया है। लेकिन कंगना ने भी सीधा सीधा इन लोगों को जवाब दे दिया कि उन्हें इस तरह के ट्रेंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले के बाद से कंगना मुखरता के साथ सोशल मीडिया में नेपोटिज्म और बॉलीवुड माफिया का मुद्दा उठा रही है। उन्होंने अपने ट्वीट्स के जरिए करण जौहर, आलिया भट्ट समेत तमाम स्टार किड्स पर निशाना साधा है। कंगना सुशांत की मौत के लिए बॉलीवुड में भाई भतीजावाद और पक्षपात को जिम्मेदार ठहराती आई हैं। वहीं अब ट्विटर पर कुछ लोगों ने कंगना के खिलाफ अभियान चलाकर उन्हें हिपोक्राइट यानी दोगला बताया है, क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत के केस में लगातार नेपोटिज्म की पोल खोल रही है। एक यूजर ने कंगना को दोगला बताते हुए कहा कि जब सुशांत जिंदा थे तब कंगना ने सुशांत और इरफान के साथ काम करने के लिए मना कर दिया था, वहीं जब सुशांत हमारे बीच में नहीं है तो कंगना कह रही है कि वो हमेशा से सुशांत के साथ काम करना चाहती थी। कई लोग कंगना पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन अब कंगना ने उनके खिलाफ बकवास करने वालों को अपने ट्वीट के जरिए करारा जवाब दिया है।